पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी हुक्मरान, पाक आर्मी, आईएसआई और इन सब की मदद से पल रहे वहां के आतंकी सरगनाओं की नींद उड़ी हुई है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर की माने तो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत से बदले के अपने मंसूबे के तहत खतरनाक प्लान बनाया है, जिसके तहत दिसंबर 2001 की तर्ज पर ही एक बार फिर संसद पर हमले जैसी योजना को अंजाम देना है। आईएसआई ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को। खुफिया एजेंसी और जम्मू कश्मीर की सीआईडी ने जैश की इस साजिश के बारे में आगाह किया है। खुफिया एजेंसियों को ये भी पता चला है कि जैश के फिदायीन संसद पर हमला करने में नाकाम होते हैं तो फिर वो दिल्ली सचिवालय पर हमला करेंगे। इतना ही नहीं, आतंकियों की लिस्ट में अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल भी शामिल है। जैश आकाओं का निर्देश है कि अगर किसी मशहूर जगह पर हमला ना हो पाए तो भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया जाए, मसलन बाजार या शॉपिंग मॉल। ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसका वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है और वो ले नहीं पा रहा। उसके जितने भी हमले हैं वो विफल होते जा रहे हैं और इस बौखलाहट का असर है कि आप इतनी जल्दी जल्दी इस तरीके के हमले देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आतंकी हमले की कोशिश की। इनमें सेना के कैंप या फिर सरकारी इमारतें निशाने पर रहे हैं। सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराते हुए हमले की योजना को लगातार नाकाम तो करते आ रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो बौखलाया पाक किसी बड़ी ताक में है। अभी जो हमला हो रहा है ये एक बिल्डिंग में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में ये ट्रैप हो गए हैं और वहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। हमारी भारतीय सेना इनका कड़ा मुकाबला कर रही है, एक सैनिक घायल भी हुआ है। नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में पाक आर्मी के संरक्षण में चल रहे आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया गया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को इस कदर परेशान कर दिया है कि अब आतंकियों के आका को लेकर उनकी चिंता बढ़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसी चिंता के चलते हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में किसी अनियमित ठिकाने पर रखा गया है। बहरहाल आतंक के किसी भी प्लान से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल हथियार और गोला बारूद से हर तरह से लैस होने में जुट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।